हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर नवंबर में दिल्ली में जब पोल्यूशन लेवल अपने पीक पे था तो उस समय कंस्ट्रक्शन वर्क पे रोक लगा दी गई थी, यानी दिल्ली में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पे रोक लग गई थी, जिसके कारण जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो उनको बहुत सी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने उस समय कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए 5,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, 5,000 रुपये पर वर्कर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। बहुत से लोगों के पैसे मिल भी गए थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको अब तक वो पैसे नहीं मिले। रीज़न क्या था? उनके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कुछ टेक्निकली फॉल्ट था, यानी बैंक अकाउंट या लिंक नहीं होगा या बैंक अकाउंट उस पर अपडेट नहीं होगा। हो सकता है बैंक अकाउंट जो उनका उसमें डाला हो उसका IFSC कोड गलत हो। गलत इन द सेंस इसलिए है क्योंकि बहुत से बैंकों का मर्जर हो गया था, जिसके कारण उनका IFSC कोड चेंज हो गया था, जैसे कि देना बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, और भी कई बैंक्स जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया, उसका जो मर्जर हो गया था वो हो गया था पंजाब नेशनल बैंक में। तो इस टाइप से कई तरह की टेक्निकली फॉल्ट्स थे जिसके कारण से उनके अकाउंट में पैसे पहुंच नहीं पाए थे। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने जिनको वो पैसे नहीं मिल पाए थे उनको वो फंड्स ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए हैं। उसके लिए फ़ंड जो एलोकेट हो गया है, 11,60,00,000 रुपये का फ़ंड एलोकेट हो चुका है ऐसे लोगों के लिए जिनके अकाउंट में पैसे नहीं गए थे। तो 23,256 के आसपास जो श्रमिक हैं ऐसे हैं जिनके अकाउंट में पैसे नहीं गए थे, एक या दो दिन में, मैक्सिमम आज या कल में ये पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जिन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट को 23 मार्च 2022 तक अपडेट कर दिया है, यानी जिसके अकाउंट में पैसे नहीं आए थे और उन्होंने 23 मार्च 2022 तक अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर दिया है, उन लोगों के पैसे उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।